बुंदेलखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पाठक। पहले नजर डालेंगे टीकमगढ़ की खास खबर। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां मासूम बच्चों को एक्सपायरी डेट की बोतल चढ़ा दी गई। बताया गया कि यह बच्चे बुखार और पेट दर्द की खराबी के कारण जिला अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिन्हें उपचार के दौरान नर्सों ने एक्सपायरी डेट की बोतल चढ़ा दी। इन बोतलों की एक्सपायरी डेट 2020 थी, लेकिन फिर भी डेट देखे बिना ही इन बोतलों को चढ़ाकर इन मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। इस मामले में सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं। जब इस मामले की खबर टीकमगढ़ कलेक्टर को मिली तो उन्होंने तुरंत ही एसडीएम को जिला अस्पताल भेजा और एसडीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल में घोर लापरवाही सामने आई है। मामला टीकमगढ़ जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में देखने को आया है, जहां बच्चों को एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन बॉटल लगाए गए। मामला प्रकाश में आते ही जब मीडिया के लोग वहां पहुंचे तो उनके सामने ही बच्चों को बोतल चढ़ाई जा रही थी, जो कि एक एक्सपायरी थी। परिजनों द्वारा बताया गया कि जब इस बारे में स्टाफ नर्स से कहा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि यह बोतल हमने नहीं लगाई है, यह हमारी ड्यूटी का नहीं है। उनके द्वारा अपना पल्ला झाड़ दिया गया। इंजेक्शन 2020 के एक्सपायरी हैं, जिन्हें बच्चों को लगाया गया है। बच्चा वार्ड प्रभारी डॉक्टर कमलेश गुप्ता द्वारा बताया गया कि एक्सपायरी डेट की दवाइयां स्टॉक रूम से आई हैं और नर्सों की लापरवाही है, जिनके द्वारा बिना देखे ही यह बोतल बच्चों को लगाई गई है। अब मामला कुछ भी हो, गलती किसी की भी हो, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ हुआ है। ऐसे में प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। टीकमगढ़ से विकास राय की रिपोर्ट। श्रीमान जी, मैं मोंगना का निवासी हूं और मैं अपने बच्चे को लेकर के, अपने भतीजे को लेकर के यहाँ हॉस्पिटल आया था। उसको करीब 2-3 दिन से बुखार आ रहा था, तब यहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको डेंगू बुखार है और आप इसके लिए यहाँ शिफ्ट कर दो, भर्ती कर दो। तो मैंने उसको यहाँ भर्ती कर दिया और जब कल हम लोग शाम को आए थे तब हमारा बच्चा बात कर रहा था और बोल रहा था, चल भी रहा था, लेकिन शाम को जब इन लोगों ने बाटल लगाई तब से अब तक वो बोल भी नहीं रहा है और बात भी नहीं कर रहा है। बोतल जो चढ़ी है, बोतल वो चढ़ी है, वही हम आप लोगों को बता रहे दे रहे हैं कि जब से बाटल चढ़ी है रात में हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। इन लोगों ने डेट एक्सपायर बाटल लगाई है, रात में करीब 11 बजे तक बाटल एक निकल गई। इसके बाद फिर दोबारा बाटल सुबह से चढ़ी करीब 5-1 बजे से, वो भी निकल गई। इसके बाद जो अभी इन लोगों ने बाटल चढ़ाई है उस पर हमने थोड़ा सा गौर किया कि इसमें पेंट रेट डला होता है क्या सरकारी पर, तो उस पर पेंट रेट नहीं था, लेकिन उस पर श्रीमान जी जो है 2000 एक्सपायर डेट 2020 में एक्सपायर डेट है, 18 की वो पैकिंग बनी हुई है। एक्सपायरी डेट की अभी जानकारी मिली है मुझे कि दो बोतल है, आईसोपी कहलाता है, उसकी एक्सपायरी डेट की बोतल बच्चों को शुरू की गई थी, जिसमें ये पता चला है कि एक पेटी में दो सेम, मतलब सही पेटी में दो बोतल जो आईसोपी की हैं वो एक्सपायरी डेट की निकली है, तो उनको बंद करा दिया गया है मेरे द्वारा और बच्चों का परीक्षण करने पर पाए गए बच्चे दोनों स्वस्थ हैं, उनको कोई विपरीत परिस्थितियाँ नहीं। उनके परिजनों को कहना है कि कल हमें मोंगना का एक बच्चा आया था, कल से वो बोल रहा है, जैसे बोतल चढ़ी कल से उसने बात करना बंद कर दिया है। अभी हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, हमने सुबह राउंड लिया था, दोपहर में भी राउंड लिया था, दो बच्चे जिन्होंने शिकायत की वो मेरे द्वारा ही भर्ती किए गए और मेरे द्वारा ही जाँच की गई। सर, बोतल आई कैसे? अब ये स्टोर से आई होगी और सिस्टर की ये गलती है, नर्सिंग स्टाफ की। सर, आज क्या मामला हुआ यहाँ एक्सपायरी डेट की बच्चों को? अभी मुझे सूचना मिली, सूचना मिलते साथ 5 मिनट में यहाँ पहुँचा, जैसे ही मुझे पता चला कि बच्चों वाला मामला है। और बहुत अच्छी बात है कि मीडिया ने कल सूचना दी, डॉक्टर साहब का जैसा आदेश हुआ मैं यहाँ आया। दो बच्चों को बुखार और कुछ पेट की खराबी के लिए एडमिट किया गया था, तो अभी जानकारी मिली कि उनको कोई दवाई या फिर जो इंजेक्टेबल है बॉटल वो शायद एक्सपायरी हुए दिया था। जैसे ही दिया था जानकारी मिल गई थी उसको तत्काल निकाल लिया गया है और सिविल सर्जन के द्वारा जो भी ड्यूटी पे थे उनको तलब करके वहाँ से हटाते हुए उनको नोटिस देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कलेक्टर साहब के आदेश पर मैंने खुद इसकी जांच की है और जहाँ से ये रिलीज हुए हैं, जहाँ यहाँ से इंडेंट होता है, कहाँ से आते हैं, इसकी पूरी जांच करके जो भी इसके लिए दोषी होगा, ऐसा कभी दोबारा ना हो। और बच्चों का मामला है तो हम किसी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं होने देंगे, इसका ध्यान रखा जाएगा, कार्रवाई।